नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एक सारस ने बताया कि चाहे जीवन में अकेले रह लेना, लेकिन गलती से भी इन तीन लोगों के ऊपर विश्वास मत करना, क्योंकि दोस्तों यह तीन लोग ऐसे हैं कि यदि आप इनके ऊपर विश्वास करेंगे तो निश्चित ही यह आपके साथ छल कपट करेंगे और आपको धोखा देंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है, जो प्रसंग है, वह बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए आप इस कहानी को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह तीन लोग कौन से हैं जिसके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है, तो आइए दोस्तों हम इस बात को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वह तीन लोग कौन हैं जिसके ऊपर विश्वास करने पर आपको धोखा मिलता है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, किसी वन में एक सारस का खूबसूरत जोड़ा रहता था। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे तथा सुख दुख में हमेशा साथ रहते थे। एक दिन की बात है, संध्या का समय था, मौसम बहुत सुहाना हो चुका था। तभी सारस की पत्नी सारस से कहती है कि पिया जी, आज की शाम कितनी खूबसूरत है। आज मैं आपके मुख से कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे कोई ज्ञानवर्धक कहानी सुना दीजिए जो मेरे जीवन में काम आ पाए। अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनकर सारस कहता है, ठीक है प्रिय, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हे प्रिय, जो भी मेरी यह कहानी सुन लेगा वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता और कभी पराजित नहीं हो सकता, इसलिए तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। वैशाली नगरी में चंद्रशेखर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही शूरवीर और पराक्रमी था, वह सभी प्रकार के शस्त्र चलाने में निपुण था। उस राजा के बल और शौर्य की बातें दूर दूर तक होती थी। राजा चंद्रशेखर के चार पुत्र थे और राजा के चारों पुत्र दिखने में बहुत ही सुंदर थे और अपने पिता की ही तरह बुद्धिमान और पराक्रमी थे। वे चारों राजकुमार सभी गुणों की शिक्षा ग्रहण करते हुए धीरे धीरे बड़े हो गए। बल और साहस में वह चारों राजकुमार अपने पिता की ही भांति थे। कई बार उन्होंने अपने पिता के साथ युद्धाभ्यास भी किया और उसमें अपने पिता को हराकर जीत भी हासिल किया, जिसके कारण उन्हें अपने बल और बुद्धि पर बहुत घमंड हो गया था। लेकिन राजा अपने चारों पुत्रों को बहुत चाहता था और उनकी सभी इच्छा पूरी करता था। जब भी कोई कार्य करता था तो वह अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाकर उनसे सलाह लिया करता था और उसके बाद ही निर्णय लेता था। हे प्रिय, जो व्यक्ति अपने घर में कोई भी कार्य को करने से पहले घर के सभी सदस्यों की राय लेते हैं, उनके घर में कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और कभी कभी अपने से कम उम्र के लोग भी बहुत ज्ञान की बात बता दिया करते हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर घर के सभी सदस्यों की सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी कार्य को करने का निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, एक दिन चारों राजकुमार अपने पिता के पास गए और जंगल में शिकार खेलने की इच्छा जताई। तब राजा ने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर उन्हें समझाया कि बेटा, अब तुम चारों जवान हो गए हो, इसलिए अपनी इच्छा से जहां चाहे वहां जा सकते हो, लेकिन तुम सब मेरी एक बात कभी भी मत भूलना। बेटा, आप सब जब भी शिकार करने के लिए जाना तो कभी भी अपने राज्य की उत्तर वाली दिशा में गलती से भी मत जाना। अगर आप लोग कभी भी भूलवश भी राज्य की उत्तर दिशा में चले गए तो आप लोग बहुत बड़े संकट में घिर जाओगे। प्रिय दोस्तों, राजा के चारों बेटों ने अपने पिता की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उत्तर दिशा की ओर ना जाने का वचन दिया कि पिताजी, हम आपकी यह बात हमेशा याद रखेंगे, हम भूल से भी कभी राज्य के उत्तर दिशा में घूमने और शिकार करने के लिए नहीं जाएंगे। मित्रों, अगले दिन चारों राजकुमार अपने अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पास आते हैं और शिकार पर जाने की अनुमति लेते हैं
और आदेश के अनुसार राज्य की पूर्व वाली दिशा में प्रतिदिन शिकार करने के लिए जाने लगे और वह चारों राजकुमार अब राज्य के उत्तर वाली दिशा में शिकार करने के लिए नहीं जाते थे। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह चारों राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे, लेकिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। वे सारा दिन इधर उधर शिकार को ढूंढते रहे। मित रोज शिकार ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो जाती है तो वह चारों राजकुमार अपने महल की ओर लौटने लगते हैं। पूरे दिन परिश्रम करने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। वे निराश होकर वापस लौट रहे थे, तभी सबसे छोटा राजकुमार, जो स्वभाव से अत्यंत चंचल और होशियार था, उसने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि हमारे पिताजी ने हमें राज्य की पूरब वाली दिशा में शिकार करने के लिए तो मना नहीं किया है, तो फिर पिताजी ने हमें राज्य के उत्तर वाली दिशा में शिकार करने के लिए और उधर जाने से क्यों मना किया है? आखिर क्या बात हो सकती है? पिताजी ने ऐसा क्यों कहा है? हो ना हो इसके पीछे कोई बड़ी बात ही होगी। हमें तो लगता है कि हमारे पिताजी ने पूर्व दिशा के जितने भी राजा थे उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया होगा, लेकिन पिताजी राज्य के उत्तर दिशा वाले राजा से युद्ध में हार गए होंगे, इसीलिए उन्होंने हमें राज्य के पीछे जाने के लिए मना किया है। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, नहीं अनुज, ऐसा कदापि नहीं है। पिताजी बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। हमें उनके पराक्रम और युद्ध कौशल पर संदेह नहीं करना चाहिए। फिर छोटा राजकुमार कहने लगा, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि हमारे पिता राज्य के उत्तर दिशा वाले राजा से युद्ध में हार गए हैं और उसी राजा के डर की वजह से हम लोगों को मना किया है कि हम राज्य के उत्तर दिशा में शिकार करने ना जाएं। मेरा तो मानना है कि कल सुबह हमें राज्य के उत्तर वाली दिशा में चलकर देखना चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए कि पिताजी ने हमें उस दिशा में जाने से क्यों मना किया है। वैसे भी हम चारों भाई साहसी और निडर हैं और महान योद्धा भी हैं। हमें अपनी वीरता पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। अगर हम शिकार करने के लिए राज्य के उत्तर दिशा में जाएंगे तो राज्य में हमारी और भी अधिक प्रशंसा होगी। कल सुबह हम चारों भाई उत्तर दिशा में शिकार करने जाएंगे और वहां देखेंगे कि ऐसा क्या है जो पिताश्री उस दिशा में जाने से मना करते हैं, और साथ में यह भी देखेंगे कि हमारी बात सत्य है या नहीं, कि राज्य के उत्तर दिशा वाले राजाओं से हमारे पिताजी क्या हार गए थे। प्रिय दोस्तों, सारस आगे कहता है कि छोटे राजकुमार की बात सुनकर बड़े राजकुमारों को भी लगने लगा कि शायद हमारे पिता उस राजा से हार गए होंगे। अब तो वह छोटे राजकुमार के कहे अनुसार तीनों बड़े राजकुमार राज्य के उत्तर वाली दिशा में जाने के लिए तैयार हो गए और कहने लगे, ठीक है भाई, कल सुबह हम चारों उत्तर दिशा की ओर चलेंगे। यह तय करके वह चारों राजकुमार अपने महल में चले आते हैं और भोजन करके अपने कक्ष में जाकर आराम करने लगते। इधर जब अगला दिन होता है, सुबह नींद से जागकर चारों राजकुमार अपने अपने घोड़ों पर बैठकर शिकार करने के लिए चल पड़ते हैं और जाते जाते उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज शिकार करने के लिए दूर से हमारे मित्र भी आ रहे हैं। हमें आज रात लौटने में कुछ देर हो जाएगी। अगर ज्यादा देर हो जाए तो आप चिंता मत करना। राजा ने कहा, ठीक है पुत्र, आपकी जैसी इच्छा। हमें आप चारों की वीरता और साहस पर पूरा विश्वास है, फिर भी आप महल में जल्दी लौटने का प्रयास करना। अपने पिता से इतना कहकर वह चारों राजकुमार शिकार करने के लिए निकल पड़ते। आज वह चारों राज्य के पूर्व दिशा में ना जाकर राज्य के उत्तर दिशा में चल दिए और कुछ देर चलने के बाद वह अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। सीमा पार करके चारों राजकुमार ने अपने राजसी घोड़े अपने राज्य की सीमा के अंदर ही छोड़ दिए और वे चारों अपना भेष बदल कर आगे बढ़ने लगे। चारों राजकुमार पैदल चलते चलते जंगल में बहुत दूर निकल आए थे और एक सुनसान स्थान पर जा पहुँचे। उस घने जंगल में उन्हें दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिख रहा था। धूप में
पैदल चलते चलते वे चारों राजकुमार बहुत थक चुके थे। उनका गला प्यास के मारे सूखा जा रहा था। उन्हें बहुत जोर की प्यास भी लगने लगी थी। अब चारों राजकुमार एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। उनकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी और इधर धीरे धीरे सूरज ढल चुका था। शाम हो चुकी थी और जंगल में बहुत अंधेरा हो गया था। तभी छोटा राजकुमार उस वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और जंगल में इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है और उस घर के बाहर आग भी जल रही थी। छोटे राजकुमार को घर दिखाई दे रहा था और उसके पास में जलती हुई आग भी उसे दिख रही थी। यह देखकर छोटा राजकुमार पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है, भैया आप चिंता मत करो, आपकी प्यास जल्द ही बुझने वाली है, मैंने देख लिया है। तब तीनों बड़े राजकुमारों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुमने ऐसा क्या देख लिया है जो इतना खुश हो रहे हो? तब छोटा राजकुमार कहता है, मैंने देखा है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक घर है और उस घर के बाहर आग भी जल रही है। अगर हम चारों उस घर तक पहुँच जाएं तो वहाँ हमें पानी जरूर मिल सकता है। दोस्तों, छोटे राजकुमार के मुख से यह बात सुनकर तीनों राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी से अपने छोटे भाई को गले लगा लेते हैं। अब वह चारों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वह घर बना हुआ था। उस घर के बाहर एक कुआं भी दिखाई दे रहा था। कुओं को देखकर चारों भाई मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि अब तो हम खूब सारा पानी पिएंगे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएं। मित्रों, जब उन्होंने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं में पानी तो भरा हुआ था लेकिन पानी बहुत नीचे था। कुएं के पास एक बाल्टी भी रखी हुई थी मगर उस बाल्टी में रस्सी नहीं थी। अब वह चारों भाई सोचने लगे कि भाई पानी तो मिल गया है लेकिन बिना रस्सी के जल निकाले कैसे? अगर यह जल हम लोगों को नहीं मिला तो प्यास के मारे हमारी मृत्यु यही हो जाएगी। तब सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, मैं इस घर में मदद के लिए जाता हूँ, शायद हमें इस घर से कोई मदद मिल जाए। इतना कहकर वह राजकुमार घर के पास जाकर आवाज लगाई कि अंदर कोई है? यदि अंदर कोई है तो कृपया बाहर आइए और हमारी मदद कीजिए, हमें रस्सी दे दीजिए ताकि हम कुएं से पानी निकाल सके। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, अगर हमको पानी नहीं मिला तो हम प्यास के मारे मर जाएंगे। दोस्तों, राजकुमार की आवाज सुनकर उस घर के अंदर से एक सुंदर लड़की बाहर आती है। लड़की को देखकर राजकुमार उससे विनती करते हुए कहता है, हे सुंदरी, मेरी मदद कीजिए, हम चारों भाई प्यास से व्याकुल हैं, प्यास के मारे हमारा गला सूखा जा रहा है, मैं आपके पास रस्सी लेने के लिए आया हूँ। उस कुएं के पास एक बाल्टी तो रखी है लेकिन उसमें रस्सी नहीं है। अगर आपके घर से रस्सी मिल जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा। राजकुमार के सरल स्वभाव को देखकर वह लड़की राजकुमार पर मोहित हो गई। सोचने लगी, आज तो घर बैठे राजकुमार चलकर आया है, इस खूबसूरत युवक को मैं अपना पति बनाऊंगी। वह लड़की द्वार पर खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अगर आपके पास रस्सी हो तो हमें दे दो। राजकुमार की बात सुनकर वह लड़की कहती है, आप यही द्वार पर रुको, मैं अपनी बड़ी बहन से पूछ कर आती हूँ। तब वह सुंदर लड़की अंदर जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है कि बहन, द्वारा पर एक नौजवान युवक आया है जो देखने में किसी अमीर खानदान का मालूम पड़ता है। उसकी वेशभूषा राजकुमार जैसी मालूम पड़ रही है। वह द्वार पर खड़ा है और रस्सी लेने के लिए आया है, बेचारा प्यास से व्याकुल है। यह सुनकर उसकी बड़ी बहन भी द्वार पर पहुंच जाती है और उस राजकुमार को देखती है तो राजकुमार कहता है कि हे देवी, मेरी मदद कीजिए, यदि आपके घर से हमें रस्सी मिल जाए तो हमें कुएं से पानी निकाल कर पीने में आसानी हो जाएगी। हम चारों भाई बहुत प्यासे हैं, यदि हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम चारों भाई प्यास से मर जाएंगे, कृपया आप हमें रस्सी दे दो, आपका बहुत
उपकार होगा। राजकुमार की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन कहती है कि रस्सी तो आपको हमारे पास मिल जाएगी, लेकिन आप सभी को हमारी एक शर्त मानना पड़ेगा। अगर उस शर्त को आप लोगों ने पूरा कर दिया तो हम आपको रस्सी अवश्य देंगे, और रस्सी ही नहीं बल्कि हम स्वयं आपको पानी पिलाएंगे और हमारे घर में भोजन भी कराएंगे। दोस्तों, राजकुमार उस लड़की से कहता है, ठीक है, आप कुछ देर इंतजार करिए, मैं अपने भाइयों से पूछ लेता हूँ, वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर वह राजकुमार भागता हुआ अपने तीनों भाइयों के पास में जाता है और सारी बात उनसे कहता है कि भाइयों, पानी तो पीने को मिल जाएगा, लेकिन उन लड़कियों की कोई शर्त है, हमें वह माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी शर्त मान लेते हो तो आपको प्यास बुझाने के लिए पानी भी मिलेगा और साथ में खाना भी मिलेगा और विश्राम करने के लिए घर में जगह भी मिलेगी। यह सुनकर तीनों राजकुमार सोच में पड़ गए, किंतु उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, और वे चारों राजकुमार बहुत प्यासे भी थे। उन्हें उस समय कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। उन सभी ने उस समय पानी पीकर सिर्फ अपनी जान बचाना ही उचित समझा, और सभी राजकुमार ने निर्णय लिया कि वह उन लड़कियों की शर्त मान लेंगे। मित्रों, इस प्रकार अपने तीनों भाइयों से पूछकर वह छोटा राजकुमार एक बार फिर उसी घर के द्वार पर उस सुंदर लड़की की बहन के पास आ जाता है और कहने लगा, हम सभी भाई ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हम आपकी सभी शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन हमें जल्दी से पानी पिला दीजिए और यह भी बता दीजिए कि आपकी शर्त क्या है। तब उस लड़की की बड़ी बहन कहती है कि हे नवयुवक, हम लोगों की शर्त यह है कि हम चार बहनें हैं और हम चारों बहनें बहुत सुंदर और रूपवान हैं और अभी तक कुंवारी हैं। आज तक हमें तुम्हारे जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं मिला है, इसलिए अब तक हम चारों बहन कुंवारी हैं और तुम चारों भाइयों को हमारी बहनों से विवाह करना होगा, तभी हम तुम्हें पानी पिलाएंगे और तुम्हें अपने घर में बैठाकर अपने हाथों से स्वादिष्ट खाना भी खिलाएंगे। उस लड़की की यह शर्त सुनकर वह राजकुमार असमंजस में पड़ गया कि यह कैसी शर्त है, हम चारों भाई पिताजी की अनुमति के बिना विवाह कैसे कर सकते हैं। तब वह राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, तुम यहीं रुको, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ। वह राजकुमार दोबारा से अपने भाइयों के पास भागते हुए जा पहुँचा। छोटे राजकुमार को इस तरह आते देख सभी परेशान हो गए और पूछा, क्या हुआ अनुज, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। फिर वह राजकुमार उस लड़की के शर्त के बारे में बताता है कि भ्राता श्री, उस रूपवान लड़की की तीन बहने और है, अगर हम चारों उन चारों लड़कियों से विवाह कर लेते हैं तो हमें पानी पीने को मिल जाएगा, नहीं तो हमें प्यासे ही मरना पड़ेगा। उस लड़की ने कहा है कि अगर हम उसकी बात मान लेंगे तो हमें पीने के लिए पानी भी मिलेगा और साथ ही खाने के लिए स्वादिष्ट खाना भी मिलेगा और आराम करने के लिए घर भी मिलेगा, और यदि हम सबने उनकी यह शर्त नहीं मानी तो वे हमें पीने के लिए पानी नहीं देंगी। तभी एक राजकुमार ने कहा कि हम उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं, हम तो उन्हें जानते भी नहीं हैं। अगर हम उनसे विवाह कर लेंगे तो हमारे पिताजी नाराज हो जाएंगे और वे हमें कठोर दंड देंगे और हमें राज्य से बाहर निकाल देंगे। पिताजी, हम सब का विवाह किसी बड़े राजघराने की राजकुमारियों के साथ करना चाहते हैं। यदि हम सबने पिताजी के मर्जी के खिलाफ विवाह कर लिया तो सारे राज्य में उनका अपमान होगा। तब बड़ा राजकुमार कहने लगा, सुनो भाइयों, अगर हम जीवित बच पाएंगे तभी तो हमारे पिता हम लोगों का विवाह कर पाएंगे। अगर आप लोग यह भूल गए हैं कि हम लोगों को पानी नहीं मिला तो हम वैसे भी मर जाएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। पहले पानी पी करके अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पिताजी को क्या कहना है। और वैसे भी हम राजकुमार हैं, एक राजा के पुत्र हैं, हम एक नहीं कई विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, इसलिए पहले यहाँ इनसे विवाह कर लेते हैं
और पानी पी करके अपनी जान बचाते हैं। प्रिय मित्रों, वे चारों राजकुमार उस लड़की की शर्त मान लेते हैं और उससे विवाह करने के लिए मान जाते हैं। और चारों राजकुमार उस लड़की के घर जा पहुंचते हैं और उन चारों लड़कियों से कहते हैं कि हमें आप लोगों की शर्त स्वीकार है, अब आप हमें जल्दी से पानी पिला दो, हमारा प्यास से गला सूखा जा रहा है। यह सुनकर वह चारों बहनें खुश हो जाती हैं और उन चारों राजकुमारों को पानी लाकर देती हैं और उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं और राजकुमारों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद बड़ी लड़की राजकुमारों से कहती है कि अब हम विवाह की तैयारी कर लेते हैं, तब तक आप चारों विवाह के लिए तैयार हो जाइए। जब चारों राजकुमार पानी पी लेते हैं और भोजन कर लेते हैं तो उनमें से मझले राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, यदि हम इनकी शर्त स्वीकार ना करें तो यह हमारा क्या कर सकती है। हम चारों इतने बलवान और शक्तिशाली हैं कि यह हमारा कुछ नहीं कर सकती, यदि यह कुछ भी बोलेंगे तो इन्हें डरा धमका कर चुप करा देंगे। मित्रों, यह सब सोचकर मझला राजकुमार कहता है, तुम सब ध्यान से सुनो, हमें तुमसे कोई विवाह नहीं करना है, हमने तो पानी पीने के लिए तुमसे कह दिया था, परंतु अब हम अपने पिताजी से पूछे बिना तुम सबसे विवाह नहीं कर सकते, यदि तुम सब ने कुछ भी किया तो तुम्हें इसके बदले में कड़ी सजा मिलेगी, हम सभी राजा चंद्रशेखर के बेटे हैं, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। उस राजकुमार की ऐसी बातें सुनने के बाद वह चारों लड़कियाँ अपने असली रूप में आ जाती हैं। मित्रों, उन लड़कियों का असली रूप देखकर चारों राजकुमार भयभीत हो जाते हैं, मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मित्रों, क्योंकि वह चारों लड़कियां भयानक राक्षसी थी, उनके बड़े बड़े बाल थे और उनके बड़े बड़े दांत थे, उनका यह डरावना रूप देखकर चारों राजकुमार उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, हम सभी भाई तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, बड़ा राजकुमार अपने भाइयों को समझाता है और कहता है कि यह राक्षसी है, अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो यह हमको मार डालेंगे। मित्रों, उन राजकुमारों के क्षमा मांगने पर चारों राक्षसी फिर से सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है। हे प्रिय दोस्तों, सरस आगे कहता है, अब तो उन चारों लड़कियों का विवाह हो जाता है और विवाह करके वह लड़कियां बड़ी खुश थी, वह अपने अपने पति के साथ खूब मौज मस्ती करती थी और अपने पतियों के साथ खूब भोग विलास करती थी, उन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाया करती थी। जब सभी राजकुमार दोपहर में सो जाते तो वे जंगल में शिकार करने चली जाती थी। इस प्रकार कई महीने बीत गए। मित्रों, जो छोटा राजकुमार था उसकी पत्नी उससे सच्चा प्रेम करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, पत्नियों के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर तीनों राजकुमार खूब मोटे ताजे हो रहे थे और उनके चेहरे पर अलग ही तेज चमक रहा था। तभी तीनों बड़े राजकुमार देखते हैं कि उनका छोटा भाई पहले से भी ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है। अपने छोटे भाई की ऐसी हालत होते देख बड़ा राजकुमार अपने छोटे भाई से पूछता है कि अनुज, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसी बात की चिंता तो नहीं है, अगर कोई बात हो तो निसंकोच होकर हमें बताओ। तब छोटा राजकुमार बताता है कि भ्राता श्री, मेरी पत्नी मुझे प्रेम से खाना नहीं खिलाती है, मैं जब भी उसके साथ खाना खाने बैठता हूँ तो वही दूसरी ओर मुंह करके जोर जोर से विलाप करने लगती है और उसके इस प्रकार से रोने की वजह से मैं खाना नहीं खाता हूँ और मैं भूखा रह जाता हूँ, इसलिए मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी पत्नी क्यों रोती है। पूछने पर वह बताती भी नहीं है, है कि वह क्यों रो रही है। छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई कहता है, है कि भाई, जरूर कोई तो वजह होगी जिस कारण तुम्हारी पत्नी रोज शाम को खाना खिलाते समय रोने लगती है, तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि वह क्यों रोती है। है तब वह राजकुमार कहता है, हे भ्राता श्री, मैंने उससे कई बार पूछा है कि तुम खाना खिलाते समय क्यों रोती हो, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं बताती है कि वह क्यों रोती है।
वह बस इतना बोल देती है कि मेरी आदत है रोने की, जब भी मेरा रोने का मन होता है तो मैं रोने लगती हूँ। वह ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बना देती है, परंतु वह बताती नहीं है कि मेरे खाना खाते समय वह क्यों रोती है। तभी मंझला वाला राजकुमार कहता है कि भाई मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ, आज जब तुम खाना खाने के लिए बैठना तो तुम अपनी पत्नी से कहना कि जब तक तुम मुझे अपने रोने का कारण नहीं बताओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। मित्रों, छोटे राजकुमार को अपने भाई की योजना समझ में आ जाती है और वह मन में विचार करता है कि आज रात मैं अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक करूंगा। मित्रों, शाम हो गई, सबकी पत्नियां अपने अपने पति के लिए भोजन लेकर उनके कमरे में चली जाती हैं। इधर छोटे राजकुमार की पत्नी भी खाना लेकर अपने पति के लिए आती है। मित्रों, जैसे ही छोटा राजकुमार खाना खाने लगता है तभी उसकी पत्नी दूसरी ओर मुंह करके रोने लगती है। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, जब भी मैं खाना खाता हूँ तो तुम रोने लगती हो, आज तुम्हें सच बताना ही होगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि आप खाना खा लीजिए, मेरी तो रोज की आदत है, मेरा जब भी मन होता है तो मैं थोड़ा रो लेती हूँ। लेकिन वह छोटा राजकुमार समझ रहा था कि यह मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से हट करने लगा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी मैं भोजन नहीं करूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए हैं। अपने पति के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वह राक्षसनी लड़की डर गई और उसने घबरा कर कहा, आप तो मेरे पति हैं, मैं आपसे बेहद प्रेम करती हूँ, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी, मेरा क्या होगा। तब वह राजकुमार कहता है, यदि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो तो मुझे सच क्यों नहीं बता रही हो। फिर वह लड़की कहती है, ठीक है, मैं अपने रोने का कारण आपको बता देती हूँ। प्रिय दोस्तों, वह राक्षसनी लड़की रोने का कारण बताते हुए कहती है, हे पतिदेव, मेरी जो बहने हैं यह एक राक्षसी है और मैं भी एक राक्षसी ही हूँ, किंतु मुझ में और उनमें बहुत अंतर है। मेरी बहनें रोज जंगल में जाती हैं और वहाँ जंगली जानवरों को मारकर उनका मांस खाती है और अपना पेट भरती है। मैं इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती हूँ कि जिस दिन उन्हें जंगल में किसी जानवर का मांस नहीं मिलेगा उस दिन वह आपके भाइयों को मारकर खा लेंगी और आपके तीनों भाई बिना किसी अपराध के मारे जाएंगे। मुझे पता है कि आप अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, यह देखकर आपको बहुत बुरा लगेगा और बदला लेने के लिए आप उन पर वर करेंगे और उनके हाथों मारे जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, परंतु मेरी जो तीनों बहनें हैं वह किसी से सच्चा प्यार नहीं करती हैं। उन्हें जिस दिन अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा उस दिन वह अपने पति को मारकर अपना भोजन बना लेंगी। इसी बात को सोचकर मैं बड़ी चिंतित रहती हूँ और शाम को आपको देखकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि कहीं मेरी बहनों के कारण मुझे आपसे दूर ना होना पड़े। अपनी पत्नी की सारी बात सुनकर राजकुमार दुखी हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इसका मतलब है कि हमारे भाइयों के प्राण संकट में है और कभी भी उनकी पत्नियां उन्हें अपना भोजन बना सकती हैं। क्या तुम्हारी बहनों से बचने का कोई रास्ता नहीं। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपको और आपके भाइयों को अपनी बहनों से बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि आप मेरी शर्त मान लेते हो तो मैं आप चारों राजकुमारों को अपनी बहनों के हाथों मरने से बचा लूंगी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजकुमार कहता है, ठीक है, मैं अपने भाइयों से पूछ कर आता हूँ कि क्या वे तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अगर वह तुम्हारी शर्त मान लेते हैं तो मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। मित्रों, इतना कहकर राजकुमार अपने भाइयों के पास जा पहुँचा और उन्हें सारी सच्चाई बताता है। यह सुनकर तीनों राजकुमार डर से कांपने लगे और आगे राजकुमार ने कहा, भैया, जिस दिन आपकी पत्नियों को जंगल में भोजन नहीं मिलेगा उस दिन आपकी पत्नियां आप सभी को मार कर खा लेंगी और अब हम सभी का जीवन संकट में है, कभी भी हमारी पत्नियां हमें मार सकती हैं। मित्रों, सभी राजकुमार यह बात सुनने के बाद
पूरी तरह से डरे हुए थे। तभी सबसे बड़ा राजकुमार कहता है, भाई इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तुम अपनी पत्नी से पूछो कि क्या हम यहाँ से भाग जाएं तो बच सकते हैं। तब वह छोटा राजकुमार कहता है, भ्राता श्री, मैंने अपनी पत्नी से इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता पूछा था तो उसने कहा कि वह हम सभी भाइयों को एक ही शर्त पर बचा सकती है। जब हम उसकी शर्त को मानेंगे तो अन्यथा वह हमारी कोई मदद नहीं करेगी। मित्रों, अपने छोटे भाई की बात सुनकर मझला राजकुमार उस पर क्रोधित हो गया और बोला, उस दिन भी तू एक शर्त लेकर आया था और तेरी उस शर्त के कारण आज हम सभी भाई इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और आज फिर से एक शर्त लेकर आया है। जाकर अपनी पत्नी से कह दे कि हम उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगे, जो करना है कर ले। तब बड़ा राजकुमार सबको समझाते हुए कहता है कि अरे भाइयों, यह समय आपस में लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है, है इस समय हम बहुत बड़े संकट से घिरे हुए हैं और हमारे पास अपनी जान बचाने का एक ही मार्ग है कि हम सभी को उसकी शर्त मान लेना चाहिए। मित्रों, सबकी सहमति पाकर छोटा राजकुमार अपनी पत्नी के पास जाता है और उदास मन से बैठ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम सभी भाई तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। अब तुम हमें बताओ कि क्या करना होगा और तुम्हारी शर्त क्या है। अब छोटे राजकुमार की पत्नी कहती है कि मेरी बस एक ही शर्त है कि आप हमेशा मेरा साथ दें और मैं आपके साथ पूरा जीवन आपकी पत्नी बनकर बिताना चाहती हूँ और बदले में आपको मेरे प्राण भी बचाने होंगे, यही मेरी शर्त है। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह राजकुमार कहता है कि अगर तुम हमारे प्राण बचा रही हो और अपनी बहनों से धोखा कर रही हो तो हम तुम्हारे प्राण अवश्य बचाएंगे, तुम बताओ कि हमें क्या करना होगा। मित्रों, अब छोटे राजकुमार की पत्नी उसे बचकर भागने की योजना बताती है और कहती है कि जब हम चारों बहन जंगल में शिकार करने जाते हैं उसी समय तुम सभी भाई अपने आप को घायल कर लेना और घर का सामान तोड़ फोड़ देना। उसके बाद जब हम सभी बहनें शाम को शिकार से वापस लौट कर आए तो उनके पूछने पर बोल देना कि तुम सबके जाने के बाद यहाँ कुछ लुटेरे आए थे, उनके हाथों में हथियार थे, वे घर का सारा सामान लूट कर ले गए और हम सबको घायल कर दिया। हमने उनसे युद्ध किया किंतु वे सभी संख्या में ज्यादा थे और हमें पराजित करके भाग गए। फिर उसके बाद मेरी बहनें आपसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, तब आपको बोलना है कि हमें अपने हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े दे दीजिए, हम उन सभी से बदला लेना चाहते हैं और उन्हें पकड़कर आप सभी का शिकार बनाएंगे। यह सुनकर मेरी बहनें अपना घोड़ा तुम्हें दे देंगी और तुम सभी उस पर बैठकर अपने राज्य भाग जाना। तब छोटा राजकुमार कहता है, वे हमें दोबारा से पकड़ लेंगी तो। मित्रों, फिर वह अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, हम चारों बहन की शक्ति जंगल के उस पार काम नहीं करती है, उसके पीछे का रहस्य है कि एक बार एक सन्यासी महात्मा जंगल के उस पार तपस्या कर रहे थे, तभी हम सभी बहनों ने उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए सोचा और उन पर आक्रमण कर दिया, किंतु उनके तेज के आगे हम कुछ नहीं कर सके और हम सब निष्फल रहे, किंतु हम सभी बहनों के कारण उन सन्यासी महात्मा की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने हम सभी बहनों को श्राप दे दिया कि आज के बाद इस जंगल के बाहर हम सबकी कोई भी शक्ति काम नहीं करेगी और यदि हम सभी इस जंगल के बाहर जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। उसी दिन से हम सभी बहनें जंगल के उस पार नहीं जाते हैं। मित्रों, फिर वह अपने पति से कहती है, अगर आप सभी ने एक बार इस जंगल को पार कर लिया तो मेरी बहन आपका कुछ नहीं कर सकती और आपके प्राण बच जाएंगे। राजकुमार को अपनी पत्नी की बात समझ में
आ गई थी, वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उनको सारी योजना बताई कि किस प्रकार हमें अपने प्राण बचाकर यहाँ से भागना है। अब तो चारों राजकुमार पूरी योजना को समझ गए थे। अगले ही दिन जब चारों राजकुमार की पत्नियाँ शिकार करने चली गई तो उसी बीच मौका पाकर चारों ने एक दूसरे को घायल कर दिया और घर का सामान इधर उधर फेंक दिया। जब शाम को उन चारों राजकुमार की पत्नियाँ जंगल से शिकार करके वापस आई तो अपने अपने पति को घायल अवस्था में देखकर वह पूछती है कि आपकी ऐसी हालत किसने की है, इस जंगल में ऐसी किसकी हिम्मत है जो हमारे पति के साथ ऐसा करे। तब वह चारों राजकुमार बताते हैं कि जब तुम चारों शिकार करने जंगल में चली गई थी उसी समय बहुत से लुटेरे आए थे और उनके हाथ में धारदार हथियार थे। उन्होंने हम सभी पर अचानक से हमला कर दिया और हमें घायल कर दिया और घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। हमने उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन उनके घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे थे और हम कुछ भी नहीं कर सके। यह सुनकर उनकी पत्नियां गुस्से से लाल हो गई और बोली, इस जंगल में किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारे ही घर में आकर हमारे पति को मारे। फिर वह पत्नियां पूछने लगी कि पतिदेव बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप कहें तो हम उन लुटेरों को मारकर आपके सामने आपके चरणों में लाकर रख सकते हैं। तब वह राजकुमार अपनी पत्नी से कहते हैं, नहीं प्रिय, आप एक स्त्री हो, अगर मैंने शत्रु से बदला लेने के लिए तुम्हें भेज दिया तो इससे हमारी बदनामी होगी। सब कहेंगे कि यह राजकुमार कितने दुर्बल और कमजोर हैं, जो अपना बदला लेने के लिए अपनी पत्नियों को भेज रहे हैं, इसलिए तुम सब उनके पास ना जाओ। यदि तुम मेरी सहायता करना चाहती हो तो तुम अपने हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़ा दे दो ताकि कि हम उन्हें आसानी से पकड़ सके और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। दोस्तों, अब वे चारों बहन आपस में विचार करती हैं कि हमारे पति ठीक ही कह रहे हैं, हम इन्हें कल सुबह अपने अपने घोड़ा सौंप देंगे। मित्रों, यह सुनकर तीनों राजकुमार बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन छोटा राजकुमार इस बात से दुखी था कि पता नहीं वह अपनी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा कर पाएगा या नहीं। मित्रों, यही सोचते हुए वह सो जाता है। सुबह हुई तो छोटे राजकुमार की पत्नी उन सबके पास आई और उन्हें बगीचे में लेकर गई जहां पर वे घोड़े बंधे थे और हवा से भी तेज दौड़ने वाले घोड़े उन्हें दे देती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस जंगल की सीमा को पार कर जाओ और लौटकर मत आना। मित्रों, वे चारों राजकुमार उस छोटी वाली राक्षसी का धन्यवाद करते हैं। जब वे चलने लगते हैं तो छोटा वाला राजकुमार अपनी पत्नी को पकड़ कर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना। फिर वह कहती है, राजकुमारों, मैंने आपकी जान तो बचा ली परंतु आपको मेरी शर्त तो याद है ना, आपको भी मेरी जान बचानी होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि आपको यहाँ से बचने का रास्ता किसने बताया है तो आप चुप रहना, किसी को कुछ भी मत बताना। अगर मेरी बहनों को पता चल गया कि यहाँ से भागने में मैंने तुम्हारी मदद की है तो वे हमें जीवित नहीं छोड़े, वे हमें मार डालेंगे। इतना कहने के बाद वह राक्षसी अपने घर के अंदर चली जाती है और वे राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर उन्हें भगाते हुए शाम तक जंगल की सीमा पार कर जाते हैं। मित्रों, इधर धीरे धीरे शाम होने लगी। वे सभी राक्षसी अपने पति के आने की राह देख रही थी। जब उनके पति नहीं आए तो वे जंगल में उन्हें खोजने के लिए जाती हैं। तभी उनकी नज़र उन राजकुमारों पर पड़ती है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे चारों जंगल की सीमा के उस पार निकल जाते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर वह तीनों राक्षसी क्रोध में आ जाती है और ऊंचे स्वर में कहती है, राजकुमारों, अब तो आप बच गए हो, अब हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परंतु जाते जाते
हमें एक बात बता दीजिए कि यहाँ से भागने का मार्ग आपको किसने बताया था? आपको यह रहस्य किसने बताया था कि जंगल की सीमा के पार हमारी शक्ति काम नहीं करती है, हम जंगल के पार नहीं जा सकते हैं? मित्रों, उन चारों राजकुमारों में जो मंझला राजकुमार बहुत दुष्ट था, वह अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करता था। उसने जैसे ही उन तीनों राक्षस की आवाज सुनी तो उसने सोचा कि हम तो अपने प्राण बचा ही चुके हैं, अब हमें इस छोटी वाली राक्षसी से क्या लेना देना। चलो इन्हें बता देते हैं कि तुम्हारी ही छोटी बहन ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और हमारे प्राण बचाए हैं। मित्रों, मंझला राजकुमार बताने ही वाला होता है, तभी छोटा राजकुमार हाथ जोड़ता हुए कहता है, भैया कृपया करके आप ऐसा मत करिए, आप इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। जिस स्त्री ने हम सब की जान बचाई है, आप उसी की जान संकट में डाल रहे हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वयं ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेंगे और आपको घोर पाप लगेगा। मित्रों, वह राजकुमार बहुत ही क्रोध में था, उसने अपने छोटे भाई की एक भी बात नहीं सुनी और जंगल की सीमा के उस पार से जोर से चिल्लाते हुए बोला कि हे राक्षसी, तुम्हारे बगल में जो तुम्हारी छोटी बहन है, उसी ने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और उसी ने हमें तुमसे बचने का रास्ता बताया है। यह सुनकर तीनों राक्षसी बहुत क्रोध में आ जाती है और तुरंत अपनी छोटी बहन पर टूट पड़ती है और उसे जान से मार देती है। यह देखकर छोटा राजकुमार बहुत दुखी होता है और जोर जोर से विलाप करने लगता है और अपने मंझले भाई पर बहुत क्रोधित होता है और कहता है कि उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसके साथ ऐसा किया। मित्रों, वह राजकुमार वहीं बैठकर रोता रहा और बाकी के तीनों राजकुमार उसे छोड़कर महल की ओर चले जाते हैं। मित्रों, फिर वह छोटा राजकुमार अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके महल की ओर उदास मन से चल देता है। प्रिय दोस्तों, सारस अब आगे कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें तीन बातें बताता हूँ और जो भी मनुष्य इन तीन बातों को याद रखेगा, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खा सकता। मनुष्य को यह तीन बातें हमेशा याद रखना चाहिए कि यह तीन लोग धोखा अवश्य देते हैं। नंबर वन, जिस स्त्री का आचरण अच्छा ना हो, उससे दूरी बनाए रखने में ही मनुष्य की भलाई है, क्योंकि इस स्वभाव की स्त्री समय आने पर आपको नुकसान पहुंचा सकती है और इस प्रकार की स्त्री पर भरोसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यह स्त्रियां मौका पाकर आपके साथ विश्वासघात कर सकती हैं। और दूसरा नंबर है, जो व्यक्ति वासना में अंधा हो जाता है, उसे चारों ओर सिर्फ सुंदर सुंदर स्त्रियां ही नजर आती हैं। वह अपनी वासना की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, इसके बदले में चाहे उसे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, वह अपने कुल का अपने परिवार का नाश होते हुए भी देख सकता है। इसके लिए वह व्यक्ति किसी को भी धोखा दे सकता है। वासना में अंधा मनुष्य कभी किसी का सगा नहीं हो सकता, वह धोखा जरूर देता है। नंबर तीन, जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग। इस प्रकार के लोग दूसरों को अपनी मीठी मीठी बातों में जल्दी फंसा लेते हैं और समय आने पर धोखा दे देते हैं। ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातों में आकार लोग इन पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं और अंत में धोखा खाते हैं। इसलिए मनुष्य को इस प्रकार के व्यक्ति से जीवन में सदैव बचकर रहना चाहिए। प्रिय दोस्तों, फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में।